ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, मगर ये मेरे बस का नहीं। जो इसे हल कर लेगा मैं उसे 40 शीलिंग्स की एक किताब इनाम में दूंगा। किताब मुझे ही मिलेगी मिस्टर रेन, मैं पहले ही कैलकुलेशन कर चुका हूँ। हैली बहुत खुश हो गए। तो दिखाइए ना मिस्टर हुक। मगर महीनों गुजर गए, हुक कुछ नहीं दिखा पाए। सिर्फ उनसे ही नहीं बल्कि तीनों से ही कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा था। आखिरकार हैली हुक के बहानों से तंग आ गए। हैली को यकीन था कि कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो इस चुनौती को हल करेगा। जब उस दिन किस्मत से हैली और न्यूटन की मुलाकात हुई तो वो एक तरह से एकांतवासी कर रहे थे। सब मेरे ख्याल से आपको याद नहीं होगा, लेकिन कुछ साल पहले हम मिल चुके हैं। जी हाँ मिस्टर हैली। माफ कीजिएगा मैंने तकलीफ दी। फॉर्मेलिटीज छोड़िए, कहिए कैसे आना हुआ। मैंने हमारे कुछ दोस्तों से बात की थी, मिस्टर रेन और मिस्टर हुक से। वो मक्कार हुक मेरा दोस्त नहीं है। जी मैं समझता हूँ सर, मगर दरअसल बात यह है कि हम प्लैनेटरी मोशन के मुश्किल सवाल पर उलझ गए हैं। इतना तो हम सब मानते हैं कि सूर्य के किसी खिंचाव की वजह से सारे ग्रह इस तरह से घूमते हैं, मगर हमें लगता है कि दूरी के साथ ये खिंचाव क्यों बदलता है। इसे समझाने के लिए कोई मैथमेटिकल लॉ जरूर होगा, और आपकी महारत को जानने की वजह से। जी हाँ, ग्रेविटी का खिंचाव दूरी के साथ कमजोर होता जाता है, इसीलिए तो ग्रह एलिप्सिस में घूमते हैं। लेकिन सर इसका पता कैसे लगा सकते हैं। मैंने ये कैलकुलेशन 5 साल पहले ही कर लिया था। सर क्या आप मुझे वो दिखा सकते हैं? वो कैलकुलेशन यही कहीं पे था। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे दोबारा कर लूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। ये तो कमाल हो गया, हमें इसके बारे में पहले पता क्यों नहीं चला। हैली ने शायद सोचा ही होगा कि न्यूटन उन्हें वैसे ही कच्चा दे रहे हैं जैसे हुक दे चुके हैं, कि तभी एक आदमी ने उन्हें न्यूटन का लिफाफा दिया। हैली की जोरदार कोशिशों के बिना खुद में ही मगन न्यूटन का वो शानदार काम दुनिया की निगाह में ना आ पाता। मगर हैली जीवट वाले इंसान थे, उन्होंने न्यूटन के हुनर को सबके सामने लाने का पक्का इरादा किया था। वो वैज्ञानिक दौर से पहले का वक्त था जब डर का बोलबाला था, और एक बड़ी क्रांति बस होने ही वाली थी। सारा दारोमदार इस बात पर था कि क्या एडमंड हैली न्यूटन की किताब को दुनिया के सामने ला पाते हैं या नहीं। हैली ने तय किया था कि वो न सिर्फ न्यूटन की किताब की एडिटिंग करेंगे बल्कि अपने खर्च पर उसे प्रकाशित भी करेंगे। न्यूटन ने पहले 2 वॉल्यूम्स लिख दिए थे और फिजिक्स ऑफ मोशन का गणितीय ढांचा तैयार कर दिया था। तीसरे वॉल्यूम के साथ ही ये पक्का हो गया कि कॉफी हाउस वाला इनाम किसे मिलेगा। न्यूटन ने अपने सिद्धांतों के जरिए पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की हर तरह की चाल को समझा दिया था। बदकिस्मती से एक मुसीबत फिर आ गई। हुआ ये कि अब हैली ने न्यूटन को समझाने की जिम्मेदारी भी खुद पर ले ली।